हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे बात किया था कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो 11th फिजिक्स की स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, उसमें मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एनालिसिस पर, वेक्टर एलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस देखिए, जब हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं, फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं, तो हमको बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिस्कस करना होता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटीज, एंड थर्ड इज टेंसर क्वांटिटीज। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी, एंड थर्ड इज टेंसर क्वांटिटी। देन व्हाट इज स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। देखिए, फिजिक्स में जब हम किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, तो हर फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यदि फिजिकल क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, यदि फिजिकल क्वांटिटीज के पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, तब हम उस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसके पास वेक्टर प्रॉपर्टी नहीं होता। यदि फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तब हम इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। दैट मीन्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। और टेंसर एक थर्ड टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज होता है, इस पर मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले उन दोनों में डिफरेंस आपको बता दूं। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। जैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, सपोज मैं मार्केट में गया, बाजार में गया, और सपोज मुझे शुगर परचेस करना है, तो मैं दुकानदार से बोलूंगा कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए। 5 kg, दैट मीन्स 5 इज इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स क्वांटिटी, मात्रा। इस तरह से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाए, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। वहाँ पर हमको डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। सपोज मैं शो करना चाहता हूँ कि किसी व्हीकल का वेलोसिटी 20 meters per second है। 20 इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिर मुझे बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज विच, इन विच डायरेक्शन। देन डायरेक्शन सो इज वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़े, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिसको हम प्रॉपर बता नहीं पाते कि उसमें वेक्टर क्वालिटी है कि नहीं, वो टेंसर क्वांटिटीज कहलाता है। लाइक इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, जब हम इलेक्ट्रिक करेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी सर्किट में, तो हम उसमें उसका डायरेक्शन शो करते हैं। बट इलेक्ट्रिक करेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन होने के बाद भी उसके कुछ नेचर के कारण हम उसको उसमें डायरेक्शन शो नहीं कर पाते, स्केलर मानते हैं, ये टेंसर क्वांटिटी कहता है। आगे के वीडियो में मैं जब इलेक्ट्रिक करंट आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा 12th के सिलेबस पर, तो इस पर डिस्कस करूंगा। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज एरिया। एरिया इज टेंसर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जब हम एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी हम उसको उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके बाद भी हम उसको स्केलर मानते हैं। इस तरह से ये जो टेंसर क्वांटिटी है, यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये कहलाता है टेंसर क्वांटिटी। अब यहाँ पर मैं जो आपको वेक्टर एनालिसिस समझाने के लिए स्टार्ट करता हूँ, कि हम फिजिक्स में मेरे टॉपिक पर अभी मैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करूँगा। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज़, अभी तक हम जब स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम उसके मैग्नीट्यूड, जैसे मैग्नीट्यूड का सम करना, उसका सबट्रैक्ट करना, डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, हम जानते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को इसके एक स्पेशल प्रॉपर्टी से हम इसके सारे प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं।
तो अपन स्टार्ट करते हैं वेक्टर एनालिसिस पर बेस्ड इसके कॉन्सेप्ट रूल्स। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज सबसे पहले, चूंकि हमारे लिए एक न्यू मैथमेटिक्स है, यहां पर हम सबसे पहले यह देखेंगे कि हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। हम इस तरह से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर इस तरह से एरो लगाते हैं, और हम इसको इस तरह से ऊपर में एक डैश लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो लगाते हैं या इस तरह से। और एक थर्ड इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, हम लेटर को बोल्ड करते हैं, इस तरह से बोल्ड लेटर बनाकर भी हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम इन दोनों सिंबल का यूज करते हैं। इस तरह से यदि किसी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा हो, ये हो या बोल्ड लेटर हो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब हम यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं कि जब कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास किस किस तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज भी हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, हम टू टाइप्स के वेक्टर क्वांटिटीज पर बात करते हैं, एक होता है वेक्टर और दूसरा होता है फर्स्ट टाइप्स, फर्स्ट इज पोलर एंड सेकंड इज एक्सियल। पोलर टाइप एंड एक्सियल टाइप वेक्टर क्वांटिटीज, विच टाइप ऑफ क्वांटिटीज इज पोलर क्वांटिटीज। देखिए यदि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकें, यदि हम किसी पॉइंट से बता सकें, तो हम उसको पोलर कहते हैं। मतलब पॉइंट्स, पॉइंट वेक्टर हो तो पोलर क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट आर पोलर वेक्टर क्वांटिटीज, बट एक्सियल क्वांटिटीज इज बाय द रोटेशन, रोटेशन एक्सिस। यदि हम किसी रोटेशन एक्सिस के थ्रू फिजिकल इसको वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, तो एक्सियल टाइप का वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, लाइक टार्क, टार्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होते हैं, एक्सियल टाइप के वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। इस तरह से हम फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज के दो तरीके यूज करते हैं, एक पोलर टाइप, एक एक्सियल टाइप। पोलर टाइप में पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, और एक्सियल में हम उसके रोटेशन एक्सिस के अबाउट रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक टार्क, एंगुलर वेलोसिटी एंड सो ऑन। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारे वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज की जो टर्मिनोलॉजीज में जो जो टर्म यूज किए जाते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए तो सबसे पहले जब कोई वेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। नाइन पॉइंट्स में मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये जो नाइन पॉइंट्स में आपको बताऊंगा ये टोटल वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट इज पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर क्या होता है। यदि कोई भी वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जिसको अपन बोलते हैं ओरिजिन, यदि कोई भी वेक्टर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिन वहां से वो निकले, जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये सब के सब पोजिशन वेक्टर कहलाते हैं। दैट मीन्स जितने वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे, जहां से निकलेंगे, वो पोजिशन वेक्टर कहलाते हैं। और हम इसको ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वेक्टर को हम कह सकते हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड सो ऑन। इस तरह से हम पोजिशन वेक्टर को ओ ए, ओ बी, ओ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स यदि पोजिशन वेक्टर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो उसको ओरिजिन से ही स्टार्ट करना होगा, दिस इज पोजिशन वेक्टर। एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। देखिए ये सपोज अपने पास टू पोजिशन वेक्टर हैं, ओ ए एंड ओ बी, ये टू पोजिशन वेक्टर है। अब यदि हम ये दोनों पोजिशन वेक्टर को
इस तरह से थर्ड लाइन से ज्वाइंट कर दें, ये दिस इज ए बी एंड ए बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजिशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर। थर्ड इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस वैल्यू दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। सपोज अपने पास कोई वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, एंड मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी वेक्टर को मॉडुलस के अंदर डाल दें, मॉडुलस में कर दें, उसका मॉडुलस वैल्यू लें, तो जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर होता है, दैट मीन्स इसकी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह से मैं यहाँ आपको बता दूं कि कोई भी वेक्टर है इसका हम यदि स्क्वेयर कर दें, द स्क्वेयर ऑफ द वेक्टर इज आल्सो स्केलर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स में कई जगह आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे, तो आप ध्यान रखना यदि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर हो रहा हो तो वो स्केलर हो जाता है। ये होता है मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट मीन्स नाम से क्लियर है, यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज यूनिट, इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट, देन इट इज यूनिट वेक्टर। यदि हम उसका मैग्नीट्यूड को वन बताएं तो यूनिट वेक्टर कहलाता है, और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप, इसको पढ़ते हैं ए कैप, और इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। इस तरह से यदि हमको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम उस वेक्टर क्वांटिटी में उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते हैं, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर मींस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल, इफ द मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, सॉरी इक्वल वेक्टर मींस इफ द मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन आर सेम, देन इट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर, लाइक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो, देन इट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। यदि दो वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों में इक्वल हो तो इक्वल, देखें यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है और मैंने दोनों लाइन के लेंथ को इक्वल बनाया है, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये कहलाता है इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट इज पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, देखिए पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप मैंने सिंबॉलिक फिगर बनाया उसको आप देखिए, ये दोनों वेक्टर आपको डायरेक्शन में सेम दिख रहे हैं लेकिन इसके लाइन के लेंथ कम ज़्यादा है, ये लाइन छोटी लाइन है, बड़ी लाइन है, दैट मीन्स इफ टू आर मोर देन टू वेक्टर्स आर सेम इन डायरेक्शन बट अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। यदि दो वेक्टर ऐसे हो जिनका डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो उसको हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एवरी इक्वल वेक्टर इज पैरेलल, एवरी इक्वल वेक्टर इज पैरेलल बट एवरी पैरेलल वेक्टर इज नॉट ए इक्वल वेक्टर। तो दोनों में डिफरेंस आप समझेंगे, पैरेलल सॉरी इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होता है और पैरेलल वेक्टर में ओनली डायरेक्शन इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। नेक्स्ट टर्म इज निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर दैट मीन्स इफ द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज जस्ट अपोजिट ऑफ एनदर वेक्टर, यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन किसी दूसरे वेक्टर के रेस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट हो तो उस तरह के वेक्टर को अपन निगेटिव वेक्टर कहते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल माइनस बी, ए इक्वल टू माइनस बी। पैरेलल वेक्टर को अभी मैंने बताया, पैरेलल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से लिखते हैं ए इक्वल टू लेमडा इन टू बी, वेयर लेमडा इज ए स्केलर क्वांटिटी। इक्वल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इक्वल बी, ये आप ध्यान रखना कि किस वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल टू बी इज इक्वल, ए इक्वल टू लेमडा इन टू बी इज पैरेलल वेक्टर, एंड इफ ए इक्वल टू माइनस बी, हियर माइनस बी रिप्रेजेंट डायरेक्शन, दैट मीन्स
द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज जस्ट अपोजिट ऑफ द वेक्टर ए। इस तरह का वेक्टर क्या कहलाएगा? निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। एंड नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर देखिए, जीरो वेक्टर एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। मैग्नीट्यूड इट जीरो बट हैविंग डायरेक्शन। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड नहीं होता लेकिन इसमें डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट, पॉइंट इज ए जीरो वेक्टर एंड रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर ओ। तो पॉइंट में क्या होता है, देखो पॉइंट का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, पॉइंट का लेंथ वेथ हाइट कुछ नहीं होता लेकिन उसमें डायरेक्शन होता है, क्योंकि हम जिस जब किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक सर्टेन डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए क्या होता है ये इसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता लेकिन डायरेक्शन होता है। ये हुए वेक्टर के टाइप्स। अब यहाँ पर जब आप फिजिक्स की स्टडी करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी आपको प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा। ये पोजिशन वैक्टर, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वैक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर एंड जीरो वेक्टर। क्लियर? अब मैं आपको आगे ले चलूंगा कि हम ये जो वेक्टर्स होते हैं इस वेक्टर्स में वेक्टर ऑपरेशन किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से हम वेक्टर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ऑपरेशंस मीन्स एडिशन ऑफ द वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर में डिविजन नहीं होता। क्लियर? देखिए सबसे वेक्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जब हम फिजिक्स में फार्मूला डिराइव करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, एडिशन भी और मल्टीप्लीकेशन से। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ वेक्टर एडिशन पर, एडिशन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन मतलब हम वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से ऐड करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, जिसमें फर्स्ट रूल है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ, तो ट्राइंगल लॉ क्या होता है, देखिए ट्राइंगल लॉ नाम से क्लियर है कि हम इसको ट्राइंगल के एक ट्राइंगल के हेल्प से ऐड करते हैं। तो यहां पर देखिए सपोज हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए लिया, और सपोज एक दूसरा वेक्टर है जिसको हम इसके साथ ऐड करना चाहते हैं, ये है वेक्टर बी। जिस तरह से हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, सपोज मैं आपको 3+2 को ऐड करने बोलूं तो आप बोलोगे 5। सिमिलरली यहाँ पर जब हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो चूंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसको एक रूल्स से अपने को इसको ऐड करना होता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हमको ऐड करना है, तो यहाँ पर आप देखिए फिगर में आप देख रहे होंगे कि वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है और वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के टेल को, जो नीचे का पॉइंट होता है इसको टेल बोलते हैं, अपर पॉइंट को हेड बोलते हैं, तो वेक्टर ए के हेड से इसके टेल को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमको फिगर मिलेगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये हो जाएगा वेक्टर बी। इस तरह से हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया। दोनों को ज्वाइन करने के बाद इसके टेल और इसके हेड को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ये पॉइंट मिलेगा और ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी। इस तरह से यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाता है और ए और बी का जो सम होता है वह इसके थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होता है। अब इस रूल को यदि हम इनवर्ड एक्सप्लेन करें तो क्या बोलेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल देन इट्स सम इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स थर्ड साइड एंड डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट। यहाँ पर ए प्लस बी का जो डायरेक्शन है वो ए और बी से अपोजिट है। दैट मीन्स यदि दो वेक्टर को किसी ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड से, दो लगे हुए साइड से रिप्रेजेंट करें तो इसका जो सम होता है वह इसके थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होता है और डायरेक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर मैं कुछ और आपको एग्जाम्पल बता दूँ जनरली जो अपन फिजिक्स में यूज़ करेंगे। जैसे सपोज मैं एक ट्राइंगल कंप्लीट करता हूँ, ये सपोज अपने पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पर मैंने इस साइड को ए कहा,
इस साइड को सपोज बी कहा और इस साइड को अपन सी कहे, और ये हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गए, ए प्लस बी प्लस सी। तो ट्राइंगल ला से हमको इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और हमने अपने इनिशियल पॉइंट को रिपीट कर लिया तो इनका सम क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह से किसी ट्राइंगल के थ्री एडजेसेंट साइड्स का सेम डायरेक्शन में जो सम होता है, कंटिन्यूस डायरेक्शन में जो सम होता है, वो ऑलवेज जीरो होता है। या यदि मैं इस डायरेक्शन, इस वेक्टर के डायरेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, तो इसको ऐसा भी, ये क्या है, ट्राइंगल्स ला के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह जब हम फिजिक्स में फार्मूला डिराइव करेंगे तो इस तरह के प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो यदि मैं सी के डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में अपोजिट कर दूं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको ध्यान देना आप, वेक्टर ए, दैट मीन्स ये डायरेक्शन वेक्टर ए प्लस ये सेम डायरेक्शन तो वेक्टर बी, और इक्वल यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो सकता है तो थर्ड डायरेक्शन इज सी, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। इस तरह से मैंने ट्राइंगल ला को आपको तीन तरीके से बताया, ये इसका बेसिक स्टेटमेंट है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स देन इट्स सम इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड एंड डायरेक्शन इज अपोजिट, दिस इज द साइक्लिक ऑर्डर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस बी इक्वल टू सी। ये है ट्राइंगल ला, और इसका बहुत ज़्यादा यूज आप फिजिक्स में करने वाले हो, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हमको एडिशन का जरूरत पड़ेगा ये रूल बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्लियर। नेक्स्ट एडिशन प्रॉपर्टी इज पैरेललोग्राम ला, नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम ला दैट मीन्स हम पैरेललोग्राम के हेल्प से इस रूल को अपन एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड इज पैरेललोग्राम ला। अब यहां पर देखिए हम टू वेक्टर्स लेते हैं, जैसे मैं ट्राइंगल्स ला में लिया था, सपोज ये वेक्टर ए है और ये सपोज वेक्टर बी है, ये हमने टू वेक्टर्स लिया और इसको टू डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से हमने रिप्रेजेंट किया। अब इस फिगर को हम एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इस साइड को इस तरह से हमने एक्सटेंशन लिया और ये हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो ये है, ये है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस रूल में ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज रिजल्टेंट डायरेक्शन। सपोज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा एंड द रिजल्टेंट ऑफ, ये मैं बाद में फार्मूला आपको बताता हूँ, अभी आप इसको आर से रिप्रेजेंट करिए, आर फॉर रिजल्टेंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर ए इज सपोज अल्फा। ये फार्मूला बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि फिजिक्स में आप इस रूल को लर्न किए बिना बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितने भी, खासकर आप मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे, आप मैकेनिक्स में आप डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये जितने भी मैकेनिक्स के जो टॉपिक है फिजिक्स में, उसमें पैरेललोग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस रूल को यदि आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपको बहुत जगह बहुत सुविधा होगी समझने में। तो यहाँ पर देखिए हमको इसको डेरिवेशन पर ही जाना है, मैथमेटिक्स में इसके सब फार्मूलों को फार्मूले डिराइव होते हैं, यह हम डायरेक्ट इसके फार्मूले पर बात करते हैं। फर्स्ट इज रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट के लिए जो फार्मूला होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर इक्वल टू होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट निकलने का फार्मूला है। यहाँ पर आर रिजल्टेंट है रूट ऑफ, और रिजल्टेंट में ओनली मैग्नीट्यूड पता चलता है, तो हम इसको मॉड में भी लिख सकते हैं या वेक्टर को हटा सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंड फार्मूला फॉर इट्स डायरेक्शन, फार्मूला फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम टेन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, टेन अल्फा दैट मीन्स रिजल्टेंट का डायरेक्शन किसके साथ, ए के साथ, जहां पर अल्फा एंगल आप फिगर में देख रहे हैं, तो टेन अल्फा इक्वल टू होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फार्मूला के हेल्प से
हम रिजल्टेंट के डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स यदि हमको ये फाइंड करना हो कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए, यहाँ ध्यान रखना फ्रॉम ए नॉट फ्रॉम बी, क्योंकि फ्रॉम बी के लिए एक और फार्मूला होता है, वो मैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ इस पर बेस्ड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा पाने प्लस बी कॉस थीटा। सपोज किसी केस में हमको ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ गया, सपोज अपन कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, तो सपोज ये एंगल आपको फाइंड करना हो तो आप यहाँ से अल्फा ही फाइंड कर लीजिए, और अल्फा फाइंड करने के बाद ये टोटल एंगल थीटा से अल्फा को माइनस कर दीजिए, तो ये वाला जो आपका एंगल है वो थीटा माइनस अल्फा ऐसे नेचुरली फाइंड हो जाएगा। क्लियर, ये कहलाता है प्रयोगरामला। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मैंने रिजल्टेंट का जो आपको फार्मूला बताया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसके कुछ स्पेशल केस हैं जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो मैं इसके सारे केस पर आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसका ट्रिकी एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स में आप किस तरह से यूज करेंगे। तो स्पेशल केस ऑफ रिजल्टेंट के लिए स्पेशल केस कि किस किस का केस, किस किस तरह का केस इसका स्पेशल केस है। फर्स्ट इज इफ थीटा इज जीरो डिग्री, इफ थीटा इज जीरो डिग्री, आप फिगर में ध्यान दीजिए ये थीटा है, थीटा एंगल यदि जीरो हो जाए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इस तरह से यहां पर देखो इफ थीटा इज जीरो डिग्री देन वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, यदि थीटा जीरो डिग्री हो जाए तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी। इस केस को यदि हम अपने रिजल्टेंट के फार्मूला पर अप्लाई करें तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ रिजल्टेंट का फार्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो एंड द वैल्यू ऑफ कॉस जीरो इज वन, कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, तो ये हम यहाँ अप्लाई कर दें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो इज वन एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इक्वल टू ए प्लस बी आर इक्वल ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या आपने को रिजल्ट मिलता है, यहाँ इसका कंक्लूजन ये है कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल दैट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज जीरो डिग्री, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल एंगल बिटवीन देम इज जीरो डिग्री देन इट्स रिजल्टेंट इज डायरेक्ट सम सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, मतलब यदि दो वेक्टर पैरेलल हो डायरेक्शन सेम हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होता है। यहाँ पर मैं एक फिजिक्स में आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्जांपल सपोज अपने पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है और इस पर मैं टू फोर्सेस अप्लाई करके रखा हूँ। सपोज इसमें मैंने एक 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इसमें एक मैं 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। आप फिगर में देख रहे हैं कि दोनों फोर्स डायरेक्शन में सेम है, तो यहाँ पर इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो डायरेक्ट सम हो जाएगा 5 + 7 = 12, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। दैट मीन्स यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोज टू वेक्टर्स क्वांटिटी के डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को हम डायरेक्ट सम कर देते हैं। यह स्पेशल केस, फर्स्ट स्पेशल केस इस थीटा इज जीरो एंड नेक्स्ट इज इफ थीटा इज 90 डिग्री, सेकंड केस इज इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री दैट मीन्स वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू इच अदर। यहाँ फिगर में देखिए यदि मैं थीटा को 90 डिग्री कर दूं तो दोनों वेक्टर इस तरह से हो जाएंगे, तो ये 90 डिग्री का केस है। अब 90 डिग्री के केस को अपन रिजल्टेंट के फार्मूला में अप्लाई करें तो क्या होगा, देखो देन आर इक्वल रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज जीरो, कॉस 90 का जो वैल्यू होता है जीरो होता है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट अप कर दें तो हमको फार्मूला मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
एंड जीरो दैट इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा रिजल्टेंट का फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए, सपोज टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर, यहाँ पर फिर मैं आपको एग्जांपल बता दूँ फिजिक्स का, जैसा मैंने अभी आप बताया था, ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इधर 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है मैंने इस बॉडी पर, और यहाँ पर सपोज 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। इस ऑब्जेक्ट पर मैंने 3 और 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों फोर्स के बीच का डायरेक्शन 90 डिग्री है, और यहाँ पर यदि हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा, वो जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वो इस फार्मूला से निकलेगा, दैट मीन्स रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इक्वल रूट ऑफ 16 प्लस 9 दैट इज 25, दैट मीन्स रूट ऑफ 25 इज 5 न्यूटन। इस तरह से जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आप जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो इसके स्पेशल केस में कौन सा केस है। यदि दोनों पैरेलल हैं तो आप उसको डायरेक्ट सम कर दीजिए, यदि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। ये है स्पेशल केस का सेकंड कंडीशन। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज इफ थीटा इज 180 डिग्री, इफ थीटा इज 180 डिग्री, थर्ड केस, इफ थीटा इज 180 डिग्री दैट मीन्स वेक्टर्स आर निगेटिव वेक्टर्स। सपोज ए वेक्टर ये है, अ वेक्टर बी है, यहाँ इनके बीच का एंगल आप देखिए, यहाँ इनके बीच का एंगल है 180 डिग्री, दैट मीन्स वेक्टर्स आर निगेटिव, आर अपोजिट वेक्टर। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे से जस्ट अपोजिट वर्क करें तो उनका रिजल्टेंट किस तरह से निकलता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, दैट इक्वल द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री इज -1, देन पुट अप द वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 180 इज -1 माइनस 2ab, यहाँ माइनस हो जाएगा नेचुरली। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो वैल्यू है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर इट इज ऑल्सो रिटर्न एज रूट ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी बी माइनस ए होल स्क्वायर। देखिए एलजेब्रा में ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो बी माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर को अपन एक्सपांड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, और बी माइनस ए के होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, दोनों सेम होता है। तो इस केस में इसका वैल्यू हो जाएगा ए माइनस बी, और इस केस में इसका वैल्यू हो जाएगा बी माइनस ए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हम कौन से केस में कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन इट्स रिजल्टेंट इज ए माइनस बी, एंड इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन इट्स रिजल्टेंट इज बी माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल, यहाँ बॉक्स में आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सपोज मैंने 2 न्यूटन, तो यहाँ पर आप क्लियर है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो 10 - 2 दैट मीन्स 8 न्यूटन होगा, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हैं। दिस इज द थर्ड केस, थर्ड स्पेशल केस ऑफ द पैरेलोग्राम लॉ। एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो रिजल्टेंट पर मैं स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जब फोर्स का चैप्टर आप पढ़ेंगे या लॉस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो आप जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मैं स्टार्टिंग से, जब से मैंने आपसे इस बात पर डिस्कस किया है कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को फिजिक्स समझने के लिए स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो ये बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि इन चीज़ों पर यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको फिजिक्स समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग से फोकस कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने अपने रिसोर्स को स्ट्रांग करिए, आप अपने बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करिए। एंड फोर्थ एंड लास्ट केस, फोर्थ एंड लास्ट केस इज डायरेक्शन बेस्ड। अभी तक मैंने बताया वो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन था, अब यहाँ पर देखिए फोर्थ केस में मैग्नीट्यूड पर बेस्ड, इफ ए इक्वल टू बी,
ओनली इन मैग्नीट्यूड। देखियो मैंने यहां पर वेक्टर का साइन नहीं लगाया है। इफ है इक्वल टू बी, मतलब द टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल ओनली इन मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। यदि दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन उनका डायरेक्शन अलग अलग हो तो हम रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन है और ये क्लास ट्वेल्थ में ये कई जगह आपको काम आएगा। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के चैप्टर में ये वाला जो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला है आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसलिए आप अभी से ध्यान रखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये अपने पास फार्मूला होता है। लेकिन हम इस स्पेशल केस में देख रहे हैं, स्पेशल केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ए और बी मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो यहाँ पर हम पुट अप कर सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए स्क्वायर और बी को भी ये लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू कॉस थीटा दैट इक्वल रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा दैट इक्वल ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन करेंगे रूट से बाहर आके ए हो जाएगा, ये हो गया ए दैट इक्वल। या एक बार और आपको डिटेल कर दूं मैं, यहाँ पर मैं टू ए स्क्वायर कॉमन कर रहा हूँ तो हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा दैट इक्वल ए इक्वल को मैं रूट से बाहर कर दिया तो हो जाएगा ए रूट ऑफ टू एंड वन प्लस कॉस थीटा। ही ट्रिग्नोमेट्री में वन प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये जब मैं ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो मेरे आप इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला आप लर्न कर लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे वन प्लस कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है दैट इक्वल टू इंटू टू फोर रूट से बाहर होकर टू हो जाएगा, ये हो गया टू ए और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर होकर आएगा कॉस थीटा बाई टू। ये है रिजल्टेंट का फार्मूला। आप ये फार्मूला लर्न कर लेंगे। सपोज ये आपको निकालते नहीं बनता, खासकर जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको सपोज इसको निकालने में प्रॉब्लम होता है तो मेरा आपको एक सजेशन है कि आप डायरेक्ट ये कंडीशन और आप ये रिजल्ट लर्न कर लीजिए। किस तरह से लर्न कर लेंगे कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट इज टू ए कॉस थीटा बाई टू। इस तरह से हमने यहाँ पर रिजल्टेंट का जो फार्मूला देखा और रिजल्टेंट के फार्मूला पर हमने जो फोर स्पेशल केस देखा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे ये स्पेशल केस को आप रिवाइज करते रहेंगे। देखिए मैंने अपने कई वीडियो में इस बात को बताया कि हमारे पास एक महंगी कार है लेकिन फ्यूल्स नहीं है तो कार किसी काम का नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि कार में जब हम एक बार पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं तो ऐसा नहीं कि वो फॉरएवर हो गया, जैसे ही उसका डीजल या पेट्रोल ख़त्म होता है फिर हम पेट्रोल टंकी में जाते हैं और फिर हम उसको रिफिल कराते हैं, फिर हम उसको भराते हैं। दैट मीन्स मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है आप इसको फिजिक्स पढ़ते पढ़ते कंटिन्यूस रिवाइज करते रहिए। कभी भी आपको लगे कि मैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स भूल गया या मैं अब उसको ध्यान में नहीं है तो आप बीच बीच में इसको रिवाइज करते रहिए। नेचुरली फिजिक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है एडिशन ऑफ द वेक्टर। अब देखिए इसका सब्सट्रैक्शन पर हमको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज अपोजिट देन इट इज निगेटिव वेक्टर, देन द सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर इज द सम ऑफ निगेटिव वेक्टर विथ एनी वेक्टर इज सब्सट्रैक्शन। दैट मीन्स आपको यदि किसी वेक्टर को किसी के साथ सब्सट्रैक्शन करना है तो आप उसके निगेटिव वैल्यू को ऐड कर देंगे तो सब्सट्रैक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए प्लस माइनस बी, देखिए एक वेक्टर ए है और बी वेक्टर ए का निगेटिव वेक्टर है तो दोनों सम होकर जाएंगे ए माइनस बी। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस होने का जरूरत नहीं है। यदि आपका वेक्टर एडिशन प्रॉपर क्लियर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा मल्टीप्लीकेशन पर, जो वेक्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन, देखो वेक्टर में डिवीजन नहीं होता,
वेक्टर में डिवीजन की आवश्यकता नहीं होती, जिस तरह से अपन सिंपल एलजेब्रा में फोर ऑपरेशंस पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, लेकिन यहाँ पर आपको वेक्टर में डिवीजन का जरूरत नहीं पड़ता, सारा काम इसमें मल्टीप्लीकेशन से हो जाता है। दैट तो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको अभी डेफिनेशन में बताया था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को मैं थोड़ा डेप्थ में और डिस्कस करता हूँ। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं देखो, यूनिट वेक्टर्स ऑफ थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखो हमारे पास थ्री डायमेंशन जो होता है इस तरह से, ये एक्स एक्सिस मैंने बनाया, ये सपोज वाई एक्सिस है और ये सपोज जेड एक्सिस है। ये थ्री एक्सिस हैं, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इनके बीच का डायरेक्शन, बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, लेकिन आपको फिगर में वो 90 नहीं दिखाई देता क्योंकि जो जेड एक्सिस है एक्चुअली वो इस तरह से है, वो बोर्ड से बाहर है। हमारा बोर्ड टू डायमेंशन है तो हम यहाँ पर थ्री डायमेंशन को बोर्ड में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये हमारा, ये जो मैं मार्कर लगाया हुआ है ये जेड एक्सिस है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है। जैसे ये तीनों पेन को मैं, तीनों मार्कर को इस तरह से ये शो किया, ये थ्री एक्सिस है, इनके बीच के एंगल ये 90 डिग्री है, इनके बीच का ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर जो थ्री एक्सिस हैं इनके लिए जो हम यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। आई कैप इज द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस एंड जे कैप, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस। सपोज वी हैव ए पॉइंट पी एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स इज एक्स वाई एंड जेड। सपोज हमारे पास एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन है और इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूँ तो हमको एक पोजिशन वैक्टर मिलेगा ओ पी, ओ पी इस पोजिशन वैक्टर, और यहाँ पर हम इस ओ पी पोजिशन वैक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप यहाँ ध्यान देंगे ओ पी का जो वैक्टर है, पोजिशन वैक्टर है, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स के साथ इस एक्सिस के यूनिट वैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स एक्स आई कैप प्लस नेक्स्ट इज वाई जे कैप एंड जेड के कैप। इस तरह से यदि हमको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता हो, यदि हमको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम उसके वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यदि हमको इसका मॉडुलस वैल्यू फाइंड करना हो, मॉड ऑफ वेक्टर ओ पी, तो इसका फार्मूला होता है रूट ऑफ कोफिशियंट ऑफ आई कैप स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि यदि आपको कोई वेक्टर, यदि आपको कोई वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया हो तो उसका आप पोजिशन वेक्टर निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये है यूनिट वेक्टर्स ऑफ द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मैंने इसको पहले इसलिए बताया क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट समझाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर प्रॉपर यूज होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके यूनिट वेक्टर्स इस तरह से होते हैं, उसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हमको उसका मॉडुलस निकालना होता है तो इस तरह से निकालते हैं। अब अपन पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स प्रोडक्ट्स, वेक्टर प्रोडक्ट्स के टू टाइप्स होते हैं। वेक्टर को टू टाइप से प्रोडक्ट किया जाता है, फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। सपोज ये अपने पास एक वेक्टर एक ए है और एक वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल सपोज थीटा है। जैसे हमने अभी वेक्टर को सम किया था, एडिशन किया था, वैसे ही हम यदि यहाँ पर वेक्टर को प्रोडक्ट करें तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए और बीच में डॉट का साइन होगा वेक्टर बी। दोनों वेक्टर के बीच में हम डॉट साइन यूज करते हैं, इसलिए इस वेक्टर प्रोडक्ट को, इस स्केलर प्रोडक्ट को
डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ द सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा। दैट मींस इसको आगे हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी को लिख सकते हैं बी और कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा ये इसका फार्मूला होता है। अब जब हम ए बी कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो इसका जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा स्केलर आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा पढ़ाने इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद तो आपको क्लियर करूंगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो स्केलर फॉर्म में आता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि आफ्टर प्रोडक्ट द फाइनल रिजल्ट इज स्केलर। प्रोडक्ट का जो फाइनल रिजल्ट स्केलर होता है इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। जो मैंने अभी आपको यूनिट वेक्टर्स बताया उसका स्केलर प्रोडक्ट कैसा होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो यहां पर हमने थ्री जो आपको यूनिट वेक्टर्स बताया अभी, ये आई कैप, जे कैप और के कैप, इनके स्केलर प्रोडक्ट अपन देखते हैं किस तरह से होता है। तो देखो सपोज हम आई कैप को आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं, आई कैप डॉट आई कैप, तो इस फार्मूला को यूज करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर है इस मैग्नीट्यूड ऑफ है, दैट मींस ए का वैल्यू यहां पर आई कैप है और आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन होगा क्योंकि आई कैप क्या है यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा वन। सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आई कैप इज ऑल्सो वन एंड कॉस, यहां पर ध्यान देंगे थीटा एंगल कितना होगा आई कैप का आई कैप के साथ में एंगल, आई कैप के साथ खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा जीरो डिग्री एंगल बनाएगा, तो वन इंटू वन इंटू कॉस जीरो दैट इक्वल वन इंटू वन इंटू वन दैट इक्वल टू वन, कॉस जीरो इज वन, दैट मीन्स आई कैप डॉट आई कैप इज वन। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज वन एंड के कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो वन। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे कि खुद का खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वन होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक का दूसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप का जे के साथ में डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का वन वन इंटू वन, लेकिन एंगल कितना होगा, देखो ये आई है ये जे है और इनके बीच के एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 90 एंड कॉस 90 इज जीरो, दैट मीन्स टोटल वैल्यू इज जीरो, दैट मीन्स आई डॉट जे इज जीरो एंड सिमिलरली जे डॉट के इज ऑल्सो जीरो एंड के डॉट आई इज ऑल्सो जीरो। तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे कि खुद का खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वन होता है और खुद का किसी दूसरे के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, अब डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको क्लियर करना जरूरी है, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पर टू वेक्टर्स इमेजिन करता हूँ, सपोज वेक्टर ए इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप एंड सपोज वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस फोर के कैप, देन इट्स डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट बी। अब हम दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों का वैल्यू पुट अप कर दिया, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस फोर के कैप। अब दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट होता कैसे, यहाँ पर ध्यान देंगे आप। यहाँ पर एक स्पेशल केयर करने की बात है कि आई का आई के साथ बस आप मल्टीप्लाई करेंगे, जे के साथ नहीं करेंगे, जे के साथ एक्चुअली मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाएगा जीरो, इसलिए हम आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में और के का के के साथ में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए आई कैप डॉट आई कैप वन हो जाएगा और यहाँ कोफिशियंट टू है यहाँ वन है तो हो गया टू प्लस थ्री इंटू वन थ्री माइनस फोर, माइनस फोर दैट मीन्स फाइव माइनस फोर इक्वल टू वन। अब यहाँ देखिए जो वन वैल्यू आया वो क्या है स्केलर क्वांटिटी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा, इसीलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट का मैंने जो एग्जांपल बताया आप ध्यान देंगे, जैसे आप फिजिक्स में जब इसको यूज करेंगे तो सब जैसे हमको वर्क निकालना है
वर्क निकालोगे आप जब फिजिक्स में अपन पढ़ाई करेंगे तो W इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, ये वर्क निकालने का फार्मूला है, वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज आपको डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता तो वर्क निकालने का न्यूमेरिकल्स आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपको इस बात को याद दिला रहा हूँ कि यदि आपको अपना फिजिक्स स्ट्रांग करना है तो जितना भी मैथमेटिकल टूल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। यदि आपको डॉट प्रोडक्ट करना आएगा आप बहुत इजी वे में वर्क फाइंड कर लेंगे। ऐसे और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम डॉट प्रोडक्ट करके उनके वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ, आपको देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया स्केलर प्रोडक्ट, इट इज़ आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा देन डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट बी एंड इट्स फार्मूला इज ए बी कॉस थीटा वेयर ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड इट्स फाइनल रिजल्ट इज ऑल्सो इज ऑलवेज स्केलर। देन आफ्टर दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वैक्टर्स वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट वैक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप। द प्रोडक्ट ऑफ आई कैप एंड जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप इज वन एंड आई डॉट जे इज जीरो एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द वेक्टर इज वेक्टर प्रोडक्ट, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद आपका जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट क्लियर हो जाता है। सेकंड प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम क्रॉस साइन यूज करते हैं। देखो यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट्स फार्मूला इज मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा, उसमें कॉस थीटा होता है, इसमें साइन थीटा होता है। यहाँ पर हम एन कैप का भी मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन ये शो करना जरूरी नहीं होता। इसका रीजन ये है कि इतना जो रिजल्ट आता है वो स्केलर फॉर्म में आता है लेकिन एन कैप का मल्टीप्लाई करने के बाद वो वेक्टर हो जाता है क्योंकि फाइनल रिजल्ट जो होता है इसका ए बी साइन थीटा ये हमेशा क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो एन कैप यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है जो इसको वेक्टर बना देता है और एन कैप हम इसलिए भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर है और वन हम कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा आई के साथ में आई डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसी तरह से यहाँ पर देखो आई क्रॉस आई इज वन इंटू साइन जीरो क्योंकि इस फार्मूला में साइन होता है तो साइन जीरो दोनों एंगल दोनों के बीच के एंगल जीरो है, साइन जीरो इज जीरो इज जीरो। That means I cross I is zero. Similarly, J cross J is zero and K cross K is also zero. तो यहाँ पर इस concept को आप ध्यान में देंगे कि खुद का खुद के साथ जो cross product होता है या vector product होता है वो zero होता है and I cross J is one into sine 90 because the angle between I and J is 90 degree and sine 90 is one. Then final value is 1. I cross J is 1. J cross K is also 1. And K cross I is 1. This is the value of cross product. And an example. अब हम एक example देखते हैं. Suppose vector A equal to 2i cap plus j cap minus 2k cap हमने लिया. और suppose vector B equal to हमने लिया 3 i cap plus 2 j cap plus suppose 4 k cap. अब हमको इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ध्यान रखेंगे इसके क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमको यहाँ पर एक न्यू मैथमेटिक्स यूज करना होगा जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स आप 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया चीज है। तो A क्रॉस B इक्वल टू टू पैरेलल लाइंस के बीच में अरेंज करते हैं, इस तरह से अरेंज करने को हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। और इस तरह से जो लिखेंगे वो रो कहलाएगा और यहाँ लिखेंगे वो कॉलम कहलाएगा। तो सबसे पहले हम इसके रो में इसके यूनिट वेक्टर्स को लिखते हैं आई कैप
जे कैप एंड के कैप, क्लियर। एंड सेकंड रो में लिखते हैं इसके कोफिशियंट, दैट मीन्स 2 एंड इट्स कोफिशियंट इज 1 एंड इट्स कोफिशियंट इज -2। एंड थर्ड रो इज कोफिशियंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, दैट मीन्स 3, 2 एंड 4। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आई कैप, यदि हमको आई कैप के लिए सॉल्व करना है, इस आई कैप के लिए सॉल्व करना है तो हम इसके रो के और इसके कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास बच जाते हैं ये 4 एलिमेंट्स, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इस तरह से, इतना माइनस इतना, दैट मीन्स हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 into 4 माइनस हो जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन, 2 into माइनस 2, ये हो गया। अब हम जे के लिए सॉल्व करेंगे तो हम माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस जे, ये रूल में होता है प्लस एंड माइनस। अब देखो हम जे के लिए सॉल्व करेंगे तो ये जे के लिए सॉल्व करेंगे तो आप इस जे के रो और इसके कॉलम के एलिमेंट्स को आप छोड़ दीजिए इसको, तो आपके पास 4 एलिमेंट्स ये बचेंगे, तो इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 into 4 माइनस, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -2 into 3। एंड के कैप, के कैप को सॉल्व करेंगे तो हम अभी इसी तरह से ये के रो को और कॉलम को छोड़ देंगे इस तरह से, ये तो 4 एलिमेंट्स ये अपने पास बचेंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स को इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, 2 into 2 -1 into 3 दैट इक्वल आई कैप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 + 2 into 2 4 -1 + ये 4 माइनस जे 8 + 6 + 4 - 3 एंड फाइनल आंसर इज 8 आई कैप -14 जे कैप प्लस के कैप, ये इसका फाइनल आंसर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो फाइनल आंसर है वो वेक्टर फॉर्म में है, इसके पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट किया था तो आपको बताया था उसका फाइनल आंसर स्केलर में आया था, यहाँ पर इसका जो फाइनल आंसर है वो वेक्टर फॉर्म में आता है, दैट मीन्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज वेक्टर, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, वेक्टर होता है। इस तरह से आप देखिए ये इसका रिजल्ट है। तो आज के इस टॉपिक में मैंने आपसे जो डिस्कस किया कम्प्लीटली मैंने वेक्टर डिस्कस किया, और एक बात मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स को समझने के लिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बार बार इस टॉपिक का रिवीजन करिए, सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर मैंने 8 पॉइंट्स में आपको उसके बेसिक फंडामेंटल बताया, फिर वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लीकेशन आर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश की कि आपका वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और बस लास्ट सजेशन मेरा यही है आपको, आप इसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए और फिजिक्स को इजी करिए। ओके, थैंक यू।